और एक तुलसी जी, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन तन्हाई के लिए। हमने देखा जस्ट अभी कुछ घंटे हुए हैं एंड जी बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग है एंड बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज है। तो सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि कैसा रहा एक्सपीरियंस इस गाने का एंड गाने की शूटिंग का, पहले तो ये जानना चाहेंगे। वेल, तन्हाई मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल सॉन्ग है और काफ़ी टाइम के बाद मैंने एक सिंगल किया है जिसमें सोलो फीचर भी किया है और यू नो आई हैव संग इट आल्सो। तो एक ज़्यादा अटैचमेंट है इस गाने से, उसके साथ साथ फीचर भी किया है वीडियो में। सो जस्ट बहुत एक्साइटिंग है। आज सुबह ही गाना रिलीज़ हुआ है 11 o'clock। आई एम गेटिंग लॉट ऑफ लव एंड अप्रिसिएशन और लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। तन्हाई बेसिकली एक पॉप रॉक जॉनर में गाना है, बट एट द सेम टाइम बहुत ही सोलफुल लिरिक्स भी हैं जो कि सईद कादरी जी ने लिखे हैं। सो लिरिकली भी बहुत पावरफुल गाना है। उसके साथ साथ बहुत यूथ ओरिएंटेड है क्योंकि बहुत गिटार्स और उस तरीके से जो इंस्ट्रूमेंट्स और जो म्यूज़िक प्रोडक्शन हुई है गाने की, वो बहुत ज़्यादा कॉलेज फ्रेंडली। मतलब यू कैन जस्ट होल्ड द गिटार एंड स्टार्ट स्ट्रमिंग दिस वन। तो मुझे इंटायर जो पूरा जो प्रोसेस होता है एक यू नो म्यूज़िक वीडियो पर, स्पेशली इंडिपेंडेंट म्यूज़िक पे जब आप काम करते हैं तो वो काफ़ी अलग होता है देन वर्किंग फॉर बॉलीवुड सॉन्ग्स। बॉलीवुड सॉन्ग्स तो मैंने बहुत किए हैं, बट पिछले साल आई थिंक इंडिपेंडेंट म्यूज़िक में मैं बहुत ज़्यादा यू नो फोकस कर रही हूँ एंड बहुत अच्छा उसका मेरे को रिस्पॉन्स भी आ रहा है। कुछ कोलैबोरेशंस की जैसे कि तेरे नाल, नाम और ज़रा ठहरो और अब तन्हाई जो एक सोलो सिंगल आया है मेरा काफ़ी टाइम के बाद। सो बहुत एक्साइटमेंट है और साथ ही साथ जैसे कि आपने पूछा कि वीडियो भी जो होता है गाने का, उसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं। सो राइट फ्रॉम परफॉर्मिंग इन द वीडियो, गेटिंग द वाइब राइट और एक एक माइन्यूट डिटेल जो होती है, तो बहुत बहुत कुछ सीखा और बहुत मज़ा आया मुझे तन्हाई पे काम करके। सिंगल बहुत सारे सिंगल आ रहे हैं एंड टी सीरीज में देख रहा हूँ कि बहुत ध्यान दे रहा है इन दिनों, उसकी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैंने सुना कि कोविड के टाइम या जस्ट उसके बाद ही ये गाने शूट हुए जी, तो कितना कुछ प्रिकॉशन था एंड कितना कुछ आपने कैसा एक्चुअली, क्योंकि ये थोड़ा डिफरेंट एक्सपीरियंस। जी जी बिल्कुल। इनफैक्ट मैंने तेरे नाल गाना पूरा लॉकडाउन में घर पे शूट किया है, तो वो तो एक अलग ही एक्सपीरियंस था। ये वाला गाना तन्हाई हमने अभी ही हाल ही में ही शूट किया था, जस्ट 15-20 डेज बैक इसकी शूट कंप्लीट की थी हमने, यहीं बॉम्बे में शूट किया था। और कोविड करके सिचुएशन काफ़ी बदल गई है, अब शूट सिनारियो काफ़ी बदल गया है। जिस तरीके से अब शूट्स होती हैं, बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस ली गई। ऑफकोर्स सभी ने अपने मास्क पहने थे, कम से कम लोग बुलाए गए थे यूनिट पे, बट हाँ ओवरऑल प्रोडक्ट अच्छा निकल के आया है और सारे प्रिकॉशंस को फॉलो करते हुए हमने इस म्यूज़िक वीडियो को शूट किया जी। सिंगल म्यूज़िक की हम बात कर रहे थे, हम देख रहे हैं कि प्रेजेंट टाइम में जो है सिंगल म्यूज़िक हमारे हिंदुस्तान में लोग बहुत ही अप्रिसिएट कर रहे हैं जी। बैक टू बैक जितने भी सिंगल आ रहे हैं वो सारे हिट हो रहे हैं, चाहे मैं आपकी बात करूँ या फिर अभी दिव्या जी का जस्ट आया है, वो लोगों को बहुत पसंद आ रहा है एंड और भी ढेरों सारे सिंगर्स का आ रहा है। तो क्या ये वो रीज़न है कि अब हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में लोग पसंद कर रहे हैं सिंगर, इसलिए पूरा टी सीरीज आप लोग इतना ध्यान दे रहे हैं? एक्चुअली इंडिपेंडेंट म्यूज़िक 90s से ही बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, ऐसा नहीं है। 90s में भी टी सीरीज़ एज अ कंपनी, चाहे दीवाना या जान, कितनी सारी एल्बम्स आई थी 90s में और काफ़ी वो पॉप स्पेस काफ़ी था। 2015 से आई थिंक सिंगल्स काफ़ी हो रहे हैं, बट आई थिंक लॉकडाउन में क्योंकि बहुत ज़्यादा फिल्म्स भी नहीं आ रही और कोई एंटरटेनमेंट का सोर्स भी काफ़ी हद तक बंद है, तो सिंगल्स पे अब ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और सभी सिंगर्स और सभी आर्टिस्ट्स यू नो दे आर ट्राइंग टू कोलैबोरेट और अच्छे अच्छे गाने विद अ गुड म्यूज़िक वीडियो, ये सब चीज़ें अब बहुत ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं, तो इसलिए और भी ज़्यादा उन पर फोकस किया जा रहा है। बट या टी सीरीज़ हैज़ लॉन्च्ड अ लॉट ऑफ सिंगल्स इन द लास्ट फ्यू मंथ्स, क्योंकि आई थिंक इंडिपेंडेंट म्यूज़िक एक आर्टिस्ट की भी क्रिएटिविटी को एक फ्रीडम देता है उनको दिखाने का कि वो किस वे में एक गाने को विजुलाइज कर सकते हैं या क्या सोचते हैं जब एक गाना बनाते हैं विदाउट एनी फिल्म सिचुएशन।
तो आई थिंक इंडिपेंडेंट म्यूजिक इज़ हियर टू स्टे एंड हियर टू रॉक। और भी आपके तन्हाई की अगर बात करें, सो मैंने वीडियो में देखा कि मतलब आदमी जब तन्हा होता है, तन्हाई के आसपास होता है, तो डिप्रेशन में भी चले जाता है। जैसे जब आप परफॉर्म कर रहे हो, माइक फेंक के देन आप वो जी सीनियर सिटीजन के पास जाते हैं, तो जी देन तो जो आदमी डिप्रेशन में, कई बार हमने नोटिस किया है कि इंसान डिप्रेशन में तन्हाई में चले जाते हैं, देन वहां से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो आई जाता है। जो थिंक हमने आपका भी वीडियो देखा है ना, आप स्टेज पे अगेन आती हैं, जी तो ये क्या मैसेज देना चाहेंगे आप लोगों को? एक्चुअली ये एक सैड मोटिवेशनल गाना है। इसमें तन्हाई नेगेटिविटी से नहीं हमने रिलेट किया, हम उसको एक पॉजिटिव एंड पे लेके गए हैं। तो जो मेन कैरेक्टर है वीडियो में, जो मैं प्ले कर रही हूँ, वो अपने करियर में ग्रो कर रही है, उसको सब कुछ मिल रहा है, बट उसका रिलेशनशिप ख़त्म हो चुका है। शी इज़ यू नो नॉट हैप्पी इन हर रिलेशनशिप, एंड इसलिए वो अपसेट है। पर जब वो अपना चीज़ें जो उसे मिल रही हैं वो छोड़ के जब वो निकलती है बाहर और देखती है कि दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो बिल्कुल फॉर्चुनेट नहीं हैं, जिन्हें छोटी छोटी बातें भी खुशियाँ दे देती हैं, तो वहाँ उसको एक रियलाइजेशन होता है कि मेरी तन्हाई तो कुछ भी नहीं है। अगर ये लोग इतने तन्हा होके भी खुशियाँ छोटी छोटी चीज़ों में ढूंढ सकते हैं, जैसे कि वो बच्चे मेरा आके ऑटोग्राफ लेते हैं, एक बच्चा हैंडीकैप्ड है वीडियो में, तो आई थिंक वो एक मैसेज बहुत क्लियरली ऑडियंस के साथ मैं शेयर करना चाहती थी सिंगल के थ्रू, कि तन्हाई को पॉजिटिवली लेना चाहिए। और अगर आप तन्हा हो तो ये सोचना चाहिए कि आप फिर भी बहुत ब्लेस्ड हो, एंड यू हैव टाइम टू फोकस ऑन योर सेल्फ। तो उसको भी एक पॉजिटिव नोट पे जब वो बाहर देखती है कि इतने गम जिंदगी में और यू नो लोगों को हैं, फिर भी वो लोग बहुत ज़्यादा लाइफ में चेयरफुल रहते हैं, तो वो उसको वहाँ से एक रियलाइजेशन होता है, और वहाँ उसको एक जो मोटिवेशन वापस मिलता है टू गो बैक टू हर करियर एंड यू नो, तो वो एक रियलाइजेशन दिखाया है वीडियो में। जी एंड इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो लॉकडाउन से सब हर कोई बाहर निकल कर आप अपने अपने कामों पर है। हम देखते हैं कि आपका भी सिंगल आ रहे हैं। सो लॉकडाउन का जो टाइम था तो वो कितना था, कैसा था आपके लिए, एंड एक्चुअली कोई ऐसी एक्टिविटीज जो आपने सीखी हो नई एक्चुअली आपके? लॉकडाउन को लेकर हम सभी पूरे साल 2020 को लेकर काफ़ी नेगेटिव रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें भी हुई हैं ऐसी इस साल, पर मैंने ये लॉकडाउन को अगेन एक पॉजिटिव अप्रोच से देखा है। मैंने ये लॉकडाउन को एक पॉजिटिव अप्रोच से देखा है क्योंकि इस लॉकडाउन में मुझे वक्त मिला टू सिट एंड टू बी वेरी मच फोकस्ड ऑन माई म्यूज़िक। घर पे रहते हुए मैंने बहुत सारा सोचा, एंड आई थिंक तभी मैं ये सिंगल्स कर पा रही हूँ, क्योंकि आई स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम विथ माई सेल्फ एंड आई कनेक्टेड विथ माई सेल्फ कि मैं आगे अपना अपने सॉन्ग्स किस तरीके से विजुअलाइज करना चाहती हूँ। सो लॉकडाउन हैज़ बिन वेरी प्रोडक्टिव, काफ़ी सॉन्ग्स रिलीज हुए, और उसके अलावा ऑफ कोर्स फैमिली के साथ बहुत क्वालिटी टाइम स्पेंड करने को मिला है, जो कि यूजुअल ज़िंदगी में मैं काफ़ी ट्रैवल करती हूँ काम को लेकर, तो वहाँ पे मैंने वो पॉजिटिव साइड्स ढूंढी हैं जो लॉकडाउन की, और थोड़ी बहुत कुकिंग भी की है मैंने। हम ऐसा माने कि आने वाले दिनों में और ऐसे ढेरों सारे सिंगल्स हमें देखने को मिलेंगे तुलसी जी की तरफ से। बिल्कुल, आई थिंक इंडिपेंडेंट म्यूजिक एक ऐसा स्पेस है जो एक आर्टिस्ट को अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने देता है थ्रू देयर सॉन्ग्स। तो डेफिनेटली मेरे और बहुत सारे सिंगल्स जहाँ आपको मैं सुनाई भी दूंगी और दिखाई भी दूंगी। चलिए, हम सभी को आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट के इंतजार रहेंगे। जाते जाते अपने फैंस के लिए अगर आप कुछ मैसेज की, जस्ट अभी आया है तन्हाई। बिल्कुल गाइस, आप लोगों के कमेंट्स और जिस तरीके का मुझे फीडबैक मिल रहा है, मैं बहुत बहुत आप सबका थैंकफुल हूँ, क्योंकि आई थिंक बहुत आप लोग पॉजिटिव हैं, और जिन लोगों ने अभी तक तन्हाई नहीं देखा है, आप जाके उसका म्यूज़िक वीडियो देख सकते हैं यूट्यूब पे टी सीरीज़ के चैनल पर। और या टेल मी आपको कैसा लगा। थैंक यू जी, थैंक यू थैंक सो यू मच थैंक यू एंड गुड थैंक यू लक। थैंक यू सो मच।